विजय आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल टेक्निकल अंशु पर। दोस्तों आज का ये वीडियो मैं खास करके नए यूट्यूबर के लिए बना करके लाया हूं। ये वीडियो खास कर नए यूट्यूबर को खास करके देखना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा आप अपने सब्सक्राइबर मतलब फ्रेंड्स आपके यूट्यूब चैनल पर जिसने भी आपके चैनल को सब्सक्राइब किया उनका काउंट दिखाया जाता है। नीचे आपने देखा होगा चैनल के नीचे कि इस चैनल पर इतने सब्सक्राइबर, इस चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर है या 100 है या 200 है, इस तरीके से काउंट दिखाया जाता है। तो दोस्तों उसको आप किस तरीके से हाइड कर सकते हैं और आपको क्यों उसको हाइड करना है, ये दोनों बारे में मैं आज आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं विजय आपको आज बताऊंगा इस वीडियो पर और आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना है दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा और ये सब्सक्राइबर क्यों हाइड किए जाते हैं इसके पीछे बहुत बड़ा एक माइंड गेम सेट किया हुआ है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बने रहिए वीडियो हमारे साथ में और देखिए आप स्टेप बाय स्टेप मैं कंप्यूटर के जरिए आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा फ्रेंड्स। इसमें होता क्या है दोस्तों, काफ़ी सारे हमारे नए यूट्यूबर्स हैं जो काफ़ी अच्छे वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी उनका कंटेंट बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन दोस्तों उनको व्यूज़ नहीं मिलते, क्योंकि जब कोई व्यूअर्स उनको देखता है चैनल पर जाता है तो देखता है सब्सक्राइबर पे कि भाई इसके तो बहुत कम सब्सक्राइबर है, इसके तो 50 सब्सक्राइबर है या 100 है या 200 ही है या मान लीजिए समथिंग 500 सब्सक्राइबर है, तो ये सोचता है कि तो नया यूट्यूबर है, इसको क्या जानकारी होगी, इसको कोई जानकारी नहीं होगी, इसके वीडियो में दम नहीं होगा। तो दोस्तों क्या करता है, हमारे वीडियो को थंबनेल तो देख लेता है लेकिन हमारे वीडियो को क्लिक करके वो देखता नहीं फ्रेंड्स के अंदर क्या जानकारी, लेकिन हमारी जानकारी भी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी अच्छा वीडियो बना होता है, लेकिन हमारे व्यूअर्स नहीं बढ़ते, हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर कम होते हैं तो सामने वाले को देखने वाले बंदे को लगता है कि इसको कोई भी प्रकार की किसी जानकारी नहीं होगी तो हमारे सब्सक्राइबर नहीं देखता। तो इसलिए दोस्तों आपको अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर देना, आप अपने सब्सक्राइबर हाइड कर देंगे उसके बाद आपके चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं दिखेंगे तो उसको सामने वाले को व्यूअर को पता ही नहीं चलेगा कि इस पर कितने सब्सक्राइबर, तो क्या आपका वीडियो देखेगा भी और व्यू भी आपका बढ़ेगा और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा क्योंकि आपका कंटेंट उसको अच्छा लगेगा और आपके चैनल को वो सब्सक्राइब कर लेगा। तो दोस्तों इसके लिए ये सब्सक्राइबर हाइड किए जाते हैं दोस्तों, काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के आपने चैनल्स देखे होंगे उनका सब्सक्राइबर नहीं दिखाते, और दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हुए हैं वो सब्सक्राइबर क्यों हाइड करते हैं उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि उनके पर काफ़ी सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो लोग देखते रहे इसके तो बहुत सारे सब्सक्राइबर, तो चैनल पर विजिट तो कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं क्योंकि उसके तो ऑलरेडी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, और सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों अगर काफ़ी सारे किसी के सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है उसने वीडियो में कुछ भी बताया भी नहीं है, कुछ भी ऐसे ही उल्टा सीधा बोल भी दिया तो भी उसके 2,000-5,000 व्यूज़ तुरंत आ जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि लोग सब्सक्राइबर हाइड रखते हैं और सब्सक्राइबर हाइड होने की वजह से उनका दिखता नहीं कि सब्सक्राइबर क्या, लेकिन उनका नाम फेमस है और यूट्यूब पर वो फेमस है तो उनके व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन नए यूट्यूबर के व्यूज़ इसी कारण से नहीं आते फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ दोस्तों किस तरीके से आपको अपने सब्सक्राइबर हाइड करना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्क्रीन को रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेते हैं और आपको बताता हूँ किस तरीके से आप अपने चैनल पर सब्सक्राइबर हाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दोस्तों नए यूट्यूबर के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं अपने चैनल पर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्रेंड्स, तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। अगर दोस्तों आप ये काम अपने फ़ोन में कर रहे हैं तो आप फ़ोन में भी क्रोम में जा करके डेस्कटॉप मोड पर अपना फ़ोन कर लेंगे और वहाँ से प्रोसेस आप कर सकते हैं दोस्तों, सेम प्रोसेस है फ़ोन में से भी। हम यहाँ स्टूडियो यूट्यूब स्टूडियो ऑन कर लेंगे, आप अपने फ़ोन में भी डेस्कटॉप मोड ओपन करके इस तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देख लीजिए मेरा चैनल आ गया है, इस तरीके से इंटरफेस दिख रहा है, सिंपली सेटिंग पर हमें क्लिक करना है, सेटिंग पर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, देख लीजिए जब सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, चैनल पर क्लिक कर देना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद में तीन ऑप्शन आएंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडवांस सेटिंग, फीचर, ये देख लीजिए तीन है, ये बीच वाले में हमको क्लिक करना है एडवांस सेटिंग। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद में हमें स्क्रॉल करना है नीचे कर्सर से, अगर आप मोबाइल पर हैं तो मोबाइल से उसे नीचे ले जाएंगे थोड़ा सा, देख लीजिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं टिक करने के, मैं आपको बता, देख लीजिए सब्सक्राइबर काउंट ये ऑप्शन दिख रहा है, इसका ऊपर अगर आप टिक कर देंगे तो आपके चैनल पर आपके सब्सक्राइबर दिखने लगेंगे, व्यूअर को कितने सब्सक्राइबर है। अगर यहाँ पर आप अनटिक रखेंगे, अनटिक कर देंगे तो आपके सब्सक्राइबर हाइड हो जाएंगे, फिर आपके जो भी आपका चैनल देख रहा है, वीडियो देख रहा है, उसको आपके सब्सक्राइबर नहीं दिखेंगे। इतना करने के बाद में सिंपली आपको सेव पर क्लिक कर देना है उसे अनटिक करने के बाद, और आपके चैनल से सब्सक्राइबर हाइड कर दिए जाएंगे, जितने भी आपके सब्सक्राइबर होंगे आपके वीडियो देखने वाले को नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप सब्सक्राइबर हाइड कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब